हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही। तो हम गए थे सऊदी अरेबिया और वहाँ से लौटे हैं बिना बाल के और एक अच्छे से माइक के। तो हमने माइक ले लिया। अब जितने लोग कंप्लेन कर रहे थे कि भाई आवाज़ सही नहीं है, तो देखिए बहुत अच्छा माइक लिया है। अब हम चाहे यहाँ होंगे तो ऐसे आवाज़ आएगी, कैमरे में नहीं होंगे तो भी आवाज़ आएगी, यहाँ होंगे फिर भी आवाज़ आएगी, और यहाँ होंगे फिर भी आवाज़ आएगी। क्या बात है सर। बहुत महंगा माइक लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, वरना EMI नहीं भर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो जो कसाइड आर यू कॉमेडी मी। हम गए थे सऊदी अरेबिया, कुछ काम था 15 दिन के लिए वहाँ पे, और बहुत सारा नया नया एक्सप्लोर किया और बहुत सारे परफ्यूम चेक किए, जितने नए स्मेल करने थे रसासी विजिट किया, उनके नए परफ्यूम्स जो स्मेल करे। हवास जो रसासी का परफ्यूम आता है, आज भी उसका उतना ही क्रेज़ है भाई, किसी भी शॉप पे नहीं मिला। और बहुत सारे परफ्यूम चेक किए, अरेबियन वूड एलीट और उद अल माजिद जो भी है उनका, और अब्दुस्समद अल कुरैशी, असगर अली, सब भाई सारे ब्रांड चेक कर लिए। बहुत मज़ा आया। और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा एक ऊद जो कि मैंने स्मेल किया अब्दुस्समद अल कुरैशी पे, और उसका जब मैंने प्राइस सुना तो एकदम जैसे पहली बार दोस्तों इतना गरीब महसूस किया। और उसकी प्राइस थी तकरीबन 9,200 रियाल पर तोला, यानी 2 लाख रुपये, 2,01,000 रुपये ऊपर ही ज़्यादा ही, सिर्फ 12 ml के लिए। तो हमने सोचा भाई अब इसको स्मेल तो करना है, तो कैसे करें, तो अपनी थोड़ी ऐसे ज्ञान देना चालू किया, अब इंडियन है जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा, वरना तो बंदा सूंघने तक नहीं देता। तो ऐसे मतलब हम लोगों ने भी कोशिश करी, अरबी अरबी बोली कि दारुल बियूती हकती फिल हिंद, ऐसे करके क्या भाई हमारा भी परफ्यूम हाउस है इंडिया में, प्लीज़ कुछ ऐसे करके। तो उसको जब लगा, उसने देखा भाई कि हाँ सीरियस हिसाब किताब है, बिजनेस वेबसाइट वगैरह है ये सब ऐसे करके, तो उन लोगों में थोड़ा इंटरेस्ट लगा। तो उसने कहा कि हाँ भाई चलो स्मेल कराते हैं। तो उसने बहुत महंगे महंगे यार एम्बर स्मेल कराया, एक जो कि कुछ 1.5-1.5 लाख रुपये तोला था, फिर उसके बाद एक मुश्क स्मेल कराया, वो भी भाई ऐसे ही 1.5-2 लाख रुपये में था। फिर जो उनका ऊद था उसका मैंने वीडियो बनाया था, अदरवाइज़ वो थोड़ा सा एक डिफरेंट माहौल होता है उस वक्त, अब कैमरा निकाल के ऐसे वीडियो बनाने लोगो तो बहुत डिफरेंट, बहुत अजीब लगता है। तो फिर मैंने उससे परमिशन ली कि भाई इसका वीडियो बना लो, तो उसने कहा ठीक है भी फ़ोटो ले लीजिए, आता रहे बेसिकली। अब जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अब मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं कहता क्योंकि इंट्रोवर्ट है, तो उस हिसाब से वो 2 लाख रुपए का तो नहीं था यार। मतलब अब कीमत तो यार कोई भी डिसाइड कर सकता है, 5 लाख रख दें, 10 लाख रख दें, अगर मुझे कुछ ऐसा ऊद खरीदना होगा जैसा वो ऊद था। तो इंडिया में यार बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट अवेलेबल हैं, 30 से 50 हज़ार रुपए के बीच में वो मुझे वैसा ऊद मिल जाएगा आराम से पर तोला, क्योंकि ऊद है यार एक एक्सपेंसिव गेम है, लेकिन इतना भी नहीं कि भाई 2-2 लाख रुपए तोला। और मैंने थोड़ी देर बात करी ना उससे, तो वो सीधा भाई 50% डिस्काउंट पे आ गया, तो तकरीबन 1 लाख रुपए तोला देने पे आ गए थे भाई वो ऑयल। मेरे हिसाब से वो ही ऐसे है क्योंकि जो मक्का और मदीना का आसपास का अतराफ का एरिया, आप ये समझिए कि एक एक ब्रांड की 5-5, 6-6 शॉप्स हैं। मतलब अरेबियन ऊद आपको मक्का का जो वो एरिया है हरम का, उसमें कम से कम मेरे हिसाब से अरेबियन ऊद की 10 दुकानें होंगी, कम से कम अब्दुस्समद अल कुरैशी की 7-8 दुकानें होंगी, और ये ऊद एलीट इनके लोगों की कम से कम 7-8 दुकानें होंगी। बहुत सारे अतर परफ्यूम्स की दुकान है, लोग होते हैं वेकेशन मोड में तो उनको दिखता नहीं है कि क्या खरीद रहे हैं क्या नहीं खरीद रहे। मेरे हिसाब से उन लोगों ने प्राइसेस भी रखे होंगे और वहाँ का रेंट वेंट भी इतना हैवी होगा, तो मेरे हिसाब से इसीलिए उनको इतना महंगा उसको प्राइस करना पड़ा। और इन जनरल भी जो है अब्दुस्समद अल कुरैशी काफ़ी महंगा होता है, तो मैंने इसे देख लिया भाई, सूंघ लिया, छू लिया, ऐसे कि भाई दोबारा ज़िंदगी में छूने का मौका मिलेगा कि नहीं। लेकिन ये कि अगर लेना होगा तो किसी बढ़िया अपने इंडियन जो आर्टिस्ट हैं उनको कॉल करेंगे, भाई ज़रा हमें 3 ml ऊद दे दीजिए ये वाला, तो मिल जाएगा। मेरे हिसाब से ओवरऑल काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था यार सऊदी अरेबिया का। गर्मी बहुत थी लेकिन ह्यूमिडिटी वहाँ कम थी, तो इसकी वजह से परफ्यूम जितने थे, जितने ऑयल में लेके गया था यहाँ से भी और जितने मैं वहाँ टेस्ट करा था, सब बहुत यार लॉन्ग लास्टिंग थे। वेदर जो है यार बहुत एक क्रूशियल पार्ट होता है परफ्यूम की परफॉर्मेंस के अंदर, या फिर जितने भी ऑयल होते हैं उनकी परफॉर्मेंस के अंदर। गर्मी मेरे हिसाब से चाहे जितनी हो, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो परफ्यूम जो है बहुत लास्ट करते हैं। और वो ये मुझे वहाँ समझ में आता था, पहले भी यही होता था और अभी भी यही, कि जो परफ्यूम यहाँ जो है 3 घंटे से 5 घंटे रुकते थे, वो वहाँ कम से कम 8 से 9 घंटे रुकते थे। तो ये भी एक बढ़िया था यार कि परफ्यूम बार बार नहीं लगाना पड़ता था, एक बार लगा लो तो शाम तक बढ़िया एकदम स्किन से स्मेल आती रहती थी। तो ये था एक्सपीरियंस। और अभी हम आ गए एक्शन में, माइक भी हमारे पास है, कैमरा भी है, लाइट भी है, और बस आप लोग एक्शन बोलिए और हम वीडियो चालू कर देंगे, क्योंकि अब बहुत डिले हो गया यार, बहुत गैप हो गया वीडियो बनाने में, और
कब से हम लोग टाल रहे हैं वीडियो करने करने में। तो अब जो है अगले दो दिन में वीडियो ना आए भाई, कमेंट भर दो कि वेयर इज द वीडियो, वेयर इज द वीडियो, क्योंकि कंटेंट भी बहुत है भाई। देख रहे हो कंटेंट, देख रहे हो ऊपर से नीचे तक सारा कंटेंट ही कंटेंट है। तो वीडियो बहुत अच्छी अच्छी आएंगी, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल के लिए बहुत ज्ञान सुन लिया आप लोगों ने, और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी सही लगी हो, मतलब लगी ही होगी यार भाई, इतना महंगा माइक से यार वीडियो बना रहे हैं, प्लीज़ तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए बहुत अच्छा अच्छा सा, और शेयर भी कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा ये आसान भाई ने माइक खरीदा है, EMI भरनी है इनको, इसलिए प्लीज़ देखिए वीडियो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आई थिंक 40,000 सब्सक्राइबर हो गए। 40,000 बहुत लोग होते हैं यार, एक स्टेडियम में भर देंगे ना, तो यकीन नहीं होता कभी कभी 40,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आपसे फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।